हैप्पी दिवाली वंस अगेन। दोस्तों ऐसा है, अभी अभी हमारे पास में एक कॉल आया सुजुकी से जिसने हमारा दिन बना दिया। सो यहाँ पे करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। व्हाट्स अप यू ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज जेसन। की हाल चाल, सत श्री अकाल। तो भाई हमें पता है दिवाली निकल चुकी है, बट आज हम दिवाली मनाएंगे। कहने का मतलब है आज हमारे ये वाला जो ब्लैक पैंथर है इसका एग्जॉस्ट आ चुका है, हमें सुजुकी से कंफर्मेशन आ चुका है। फिलहाल वी हैव अ स्पेशल गेस्ट हियर। की हाल चाल है, सत श्री अकाल। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, आने वाले दिनों की तैयारी, प्लानिंग है ना, मोटी मोटी प्लानिंग चल रही। तो दोस्तों सीन बहुत सिंपल एंड सोबर है। मैं किसी और बाइक पे एक लंबा ट्रिप करने वाला था, बट आज जैसे ही मुझे कॉल आई बूसा का एग्जॉस्ट आ गया तो मैं तो एक्साइटेड हो गया हूँ, क्योंकि हमने बहुत टाइम से ऑर्डर कर रखा था और अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं था, बट आज वो अवेलेबल हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू गेट इट फिक्स्ड। और उसके बाद में कल मैं और खन्ना जी निकल रहे हैं एक छोटे से वार्म अप ट्रिप पे। अगर ट्रिप रहा सक्सेसफुल और जो काम हम लोग करने जा रहे हैं ऑब्वियसली वो हो ही जाएगा, उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं एक लंबे ट्रिप पे। हम लोग बोले तो यू कैन सी द फ्रेम, तो अभी आइडिया आपको लग सकता है। तो प्लानिंग चालू है दोस्तों, सिंपल सी बात है, अभी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हमें मतलब लॉजिस्टिक्स लगाने हैं क्योंकि लंबा ट्रिप होने वाला है। ब्यूटीफुल रूबिकॉन, ओ यह बेबी। बट एनीवेज दोस्तों आई एम हैप्पी कि आज ये गूंगी को आवाज मिल जाएगी, मतलब ये बैटरी वाली सुपर बाइक से प्रॉपर सुपर बाइक बन जाएगी। सो लॉन्ग अवेटेड चीज़ आज होने वाली है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। सच्ची बोलूँगा, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है बिल्कुल सही टाइम पे ये चीज़ हो रही है, बिकॉज मुझे कल ही निकलना था और अगर एग्जॉस्ट लगता तो भी, नहीं लगता तो भी, और मेरी पहली प्रेफरेंस थी कि मैं S2 तैयार करवाता। अभी S2 में बैटरी चेंज होना है, दूसरा उसका थ्रॉटल बॉडी क्लीन होना है रोड ट्रिप से पहले, है ना। तो एक काम तो ये है, अब अगर मैं नीलमा के ऊपर में रोड ट्रिप करता तो उसका पीछे का टायर गया, टायर चेंज होगा, चेन सेट चेंज होगा, तो उसमें भी खर्चा है, ठीक है। अब अगर मैं अपनी ADV ड्यूक 390 लेके जाता उसमें भी खर्चा है, उसका भी पीछे का टायर चेंज होना है और एक बेसिक सर्विस होना है। और जी हाँ, अभी मैंने कुछ खुराफात करी है, अगले व्लॉग में पता लगेगा। तो वो बाइक मेरे पास नहीं है, ऑफिस में 3-4 दिन के लिए गई है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब वो क्या है इंस्टा वाली फैमिली ने हिंट देख लिया होगा, 1-2 दिन पहले मैंने स्टोरी डाली थी, बाकी आप लोगों को जल्दी ही पता लग जाएगा। एंड जी हाँ, आप अगर जानना चाहते हो कि किधर को हम लोग राइड कर रहे हैं और कौन सी बाइक्स फाइनली हमने चूज़ करी हैं जाने के लिए, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे। ID अभी स्क्रीन पे आ रहा है, कहने की बात ही नहीं है, पैसे आपके लगने नहीं है, इट इज़ टोटली फ्री। वैसे ये वाला पॉइंट ना सच में बहुत कन्फ्यूजिंग है, लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ होते हैं सीधा एयरपोर्ट को जाएँ या यहाँ से यू टर्न लें, क्योंकि एक तो क्लैरिटी नहीं है ढंग से और ये बहुत गलत बना हुआ है। रात में तो डेफिनेटली एक आधी गाड़ी ज़रूर से यहाँ पे ठुकती होगी, सच्ची में, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। एनीवेज आपने मेरी तरीके से नोट किया होगा जैसे मैं नोट कर रहा हूँ, कुछ वीडियोस पिछले दिनों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही यूट्यूब पे। अब सच्ची में ये बात ना क्वेश्चन मार्क में डाल देती है, हमारे एफर्ट्स में कमी है, आपका हमसे मन उठ गया है, या यूट्यूब हमारे साथ में बढ़िया नहीं कर रहा है, मतलब एल्गोरिथम का लोचा है, केमिकल लोचा है। बट चलो ठीक है यार, मतलब मैं इतना बोलता हूँ मेरी लाइफ में ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, बिकॉज आई एम वेरी प्रैक्टिकल गाय एंड ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी पॉजिटिव, ऐसा मुझे लगता है। मेरी अप्रोच बड़ी पॉजिटिव है बहुत सारी चीज़ों को, तो जब भी मेरी लाइफ में कुछ बुरा होता है या ये वाला पॉइंट ले लो जनरली, मैं तो सिर्फ पीछे मुड़ के देखता हूँ कि कहाँ से शुरू किया था, कहाँ आ गए। इतना कहना चाहूँगा कि मैं Day 1 से जो करता हूँ ना वो आज भी कर रहा हूँ, मतलब मेरा लव है इन मोटरसाइकिल्स के लिए, मैं चलाता हूँ, सिर्फ कैमरा के लिए नहीं होता है, ऑफ द कैमरा भी चलाता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ, जैसे जहाँ मैं कल जा रहा हूँ ना, सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे पास अलाउंस था, मेरे पास में अपॉर्चुनिटी थी, मैं गाड़ी पे जा सकता था, मैं नियर बाय की फ़्लाइट भी ले सकता था, ठीक है। बट लॉजिक्स काम नहीं करते हैं जब आप बाइकर होते हो, आप सोचते हो यार ये रहा 7 घंटे दूर, 5 घंटे दूर, 10 घंटे दूर, तो आपको लगता है यार अगर जाना ही है, काम भी करना है, तो यार बाइक लेके जाओ। तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे साथ में। और दूसरी चीज़ है, मैंने आप लोगों को पता होगा कि शौक के लिए, मतलब जब मैंने अपना ये चैनल शुरू किया था ना, मैंने पैसों के लिए नहीं किया था, फेम के लिए नहीं किया था, मुझे तो 6 महीने 1 साल बाद समझ आया था कि यहाँ से रेवेन्यू कैसे बनता है, मोनेटाइजेशन कैसे ऑन होती है। मैंने जस्ट फॉर फन उसको एक्टिवेट किया, मतलब चैनल शुरू किया और यहाँ पे कैमरास लगे हुए, हेलो कर दो इनको, वैसे भी मैं स्लो ही था आपसे बातें करते करते,
तो रियलिटी चेक इज कि जो मैं पहले करता था ना और जो शौक रखता था बस वो एम्पलीफाई हो गया है। मतलब मैं पहले कम घूम सकता था अपनी पॉकेट से, अभी मेरा ये जो प्रोफेशन है इसकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ट्रैवल करने की और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की। और भाई बातें करने की तो आदत पड़ी गई है, इसके बिना गुजारा ही नहीं है। मतलब मेरा तो खाना ऐसे ही डाइजेस्ट होता है और मेरी कैलोरी बर्न बोल बोल के ही होती है, समझ रहे हो ना भावना है। ये देखो मेरे से आधा घंटा पहले निकले थे, कहीं से चला रहे हैं लोग। ओ ये बेबी, अच्छा संतोष चला रहा है डिसेंट मैनर में। बस रेड लाइट पे राइट लेते ही पहुंच गया। ओके सो दोस्तों, बस शोरूम नज़दीक में है, राइट साइड में है, मेरी वेट हो रही है दिवाली मनाने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड, बट हाँ थोड़ा सा कंसर्न है, अगर बहुत लाउड हुआ तो भी मैं खुश नहीं रहूँगा। आवाज़ जैसी मुझे चाहिए वैसी होनी चाहिए, है ना भाई। एंड एक चीज़ और है, अभी आप स्क्रीन पे एक छोटा सा डेमो देख रहे हो मेरे लखनऊ वाले ट्रिप का, IGTV वीडियो बना के मैंने डाला इंस्टाग्राम पे। अगर आपको ये वीडियो पूरा देखना है तो वहाँ जाके देखना पड़ेगा, और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ देख लो ना यार। मतलब मेहनत लगी है, डेढ़ दिन में मैंने लखनऊ घूमा है और ये वीडियो कंपाइल किया है। उसके बाद जब मैं दार्जिलिंग में था तब मैंने इसमें वॉइस ओवर करके एडिट करके कंप्लीट करके इसको अपलोड कर दिया है इंस्टाग्राम पे। एंड दार्जिलिंग वाले वीडियो का भी आप लोग वेट कर रहे हो ना, तो सेकंड चैनल पे आज नहीं तो कल में वो रिलीज़ हो जाएगा, और वो वीडियो देखने के बाद में आपको समझ आ जाएगा मेरा रियल रीज़न दार्जिलिंग जाने का। यू गॉट माई पॉइंट ब्रदर्स, हाथ खड़े करो। जस्ट जोकिंग। चलो मिलते हैं आपको अब सीधा शोरूम के अंदर ही। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, या ऐसे भी कह सकते हैं क्रिसमस केम अर्ली फॉर मी। सो भाई यहाँ पे है बॉक्स एक्रोपोविक का, दिस इज द न्यू म्यूजिक सिस्टम फॉर माय हायबुसा Gen 3। ओके अब इसकी मिलके करते हैं अनबॉक्सिंग। आपको पता है कितना डेस्परेटली मैं वेट कर रहा था इस चीज़ का, फाइनली इट इज़ हेयर एट द राइट टाइम। जैसे मैंने आपको ब्लॉग में बताया टुमारो आई एम लीविंग, बट एक सच बात बताऊँ कि हमें आए हुए यहाँ पे कम से कम 3 घंटे हो गए हैं। काम बहुत लेंदी है, लंबा है, मेहनत वाला है, क्योंकि पूरे हेडर्स निकलते हैं, दिस इज़ अ फुल सिस्टम, इसलिए थोड़े पेशेंस रख रहे हैं हम लोग। एंड थोड़ा ATM से जेब में पैसे है ना। टेस्टिंग मेरे कान सुन हो गए हैं पटाखे सुन के, क्या बात है क्या बात है, चले नहीं ना यार, आवाज नहीं आ रही। हेलो टेस्टिंग, कान बंद हो चुके हैं हमारे। नो स्मोकिंग ओनली बर्गर। चिकन मोमोज 70 रुपए के 8 पीस है, वेज मोमोज 50 के 8 पीस है, एंड स्प्रिंग रोल भी है भाई साहब। बट हम लोग यहाँ पे सैंडविच खाने के लिए आए, एक शॉप है पीछे में नारायणा में है, शोरूम के पास में है, और यहाँ से पहले हमने एक बार को खाए थे सैंडविच, बहुत स्वाद थे। सो वी गोना गिव इट अ ट्राई अगेन। दूर से मैंने एक बार देखा तो मैंने कहा हमारे से लड़की तो नहीं थी गाड़ी में, कहाँ से गई। देखो थोड़ा शोर आएगा तो इग्नोर कर देना, आज बहुत दिनों के बाद देसी स्टाइल में भाइयों से बाहर बैठे हैं, चलता रोड है पीछे में। बट इतना बता दूं ये मैं पार्टी दे रहा हूँ एक्रोपोविक की। सस्ते में निपटा रहा हूँ। चलो भाई अब आप लोग भी गवाह हो, यहाँ पे एग्जॉस्ट की पार्टी हो गई है। हेलो। हेलमेट किस चीज की पार्टी हुई है संतोष? नहीं ये हेलमेट किसका हेलमेट, कौन सा हेलमेट, क्या हेलमेट, इनको तो पता ही नहीं है, पता चल जाएगा। अच्छा ऑफिस जाके बाहर निकल चुका। नहीं भाई यहाँ पे ये जो पार्टी थी ये थे एग्जॉस्ट। नहीं एग्जॉस्ट 2 लाख रुपए का और ये इतना सा
भावनाएं देखो अभी एग्जॉस्ट का काम पूरा नहीं हुआ और मैं तुम्हें खिलाने लाया तो भावनाएं नहीं पकड़ रही। ये देखो मूंगफली खाकर चलो नो वरीज सर, बट इतना बोल दूं मच रिकमेंडेड, खाना बहुत अच्छा था। ओके तो हमने लाल डुगाती यहाँ छुपा रखी है, जस्ट जोकिंग, 9:30 हो रहे हैं, अभी अभी हम लोग वापस आए हैं। एंड थैंक यू, आप में से काफ़ी लोगों ने कंसर्न दिखाया था कि हमारा ऑफिस डैमेज हो गया, मतलब सीलन आ गया, तो थोड़ा बुरा लग रहा है, बट चलो आज आपको दिखाते हैं कि गाड़ी में हमारे पास क्या क्या आया। ये देखो, ये हमारे ऑफिस की चेयर्स, और ये उतरा है जो पूरा हेडर पाइप है कम्प्लीट। दो फैंसी चेयर्स भी हमने ली हैं आज कीर्तिनगर से, शॉपिंग करी है। थोड़ा सा हमने KTM का भी सामान लिया है, एक्रापोविच आपने देख लिया है, एक नया बैकपैक, दिस इज फ्रॉम GV, इसके बारे में आपको अगले ब्लॉग में विस्तार से बताऊंगा। एक बार ये भी दिखा दीजिए सर, दिखा दीजिए न सर, पार्टी ड्यू है ना, वो पार्टी मेरी तरफ से थी भाई साहब, वो पार्टी मेरी तरफ से थी, अमीर ही नहीं दिखाते। लाल पीला हरा नीला, किसी को भी यहाँ पे नेक्स्ट हेलमेट के वाइजर चाहिए तो कॉन्टेक्ट ओमकार खन्ना जी, है ना, सेल लगाएंगे, सेल सेल सेल, सो वी हैव गोल्ड, देन द ब्लू वन, देन द टिंटेड वन, देन द ब्लैक वन, एंड हियर इज द ब्रांड न्यू हेलमेट। खन्ना जी खुश तो बहुत हो गया आज, पार्टी दे दी, हम भी बहुत खुश हैं। कार्बन फाइबर नहीं, ऐसे होता है कार्बन, वो पार्टी मेरा था, पार्टी मेरा था, वो का देखो हम एकरा लिया होगी, ना 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 ना, महंगा सामान लिया वो सस्ती पार्टी देगा, और जो सस्ता सामान पाया है वो महंगी पार्टी देगा। तुमने खुद बताया है, क्या बोले, जो सस्ता सामान पाया है हाँ, वो बड़ी पार्टी देगा, और जो ज्यादा पैसा खर्चा किया उसे और क्या खर्चा करवाया जाए। बिल्कुल सही बात है। सो हियर इज द XR2, मतलब कुछ जाना बजाना जरूर से आपको लगेगा, बट दिस इज ब्रांड न्यू, लेट मी टेल यू, है ना भाई, जीरो किलोमीटर है ये, जीरो किलोमीटर डन है सो फार। अभी ऐसा है दोस्तों, मतलब देखो 9:30 हो गए, कल बहुत लंबा दिन है हम दोनों के लिए और परसों भी, तो मुझे लग रहा है कि वीडियो यहीं पे क्लोज करने का समय आ चुका है। इतना कहना चाहूंगा दिल पे हाथ रख के कि 10R के भूमपट याद आते हैं, और 10R जैसा कुछ भी नहीं अच्छा लगा, ले 2 लाख में बट्टी, मेरे को बुरा पता क्या लग रहा है, मेरे पास अभी दो अपॉर्चुनिटीज थी, लैपटॉप एक था, मेरे को लैपटॉप अपग्रेड करना है जो मैं अभी चला रहा हूँ, 5 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, वो भी 2 लाख का था, ये भी 2 लाख का है। अब बींग अ बाइकर एट हार्ट ये डलवाया, अभी अच्छा नहीं लग रहा, मे बी कल और परसों जब हम राइड करेंगे शायद ये बात दिल पे बैठ जाए, कार्बन बनेगा ना इसमें, कार्बन जमेगा। सच्ची बोलू तो देखो अभी ज्यादा ऑप्शन दिल्ली में है नहीं, दिल्ली का इंडिया में नहीं है, बूसा का सामान आ नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से ये मिला, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट थी, मुझे लगा अब क्विक शिफ्टर और ऑटो क्लिपर के साथ मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा, मतलब पूरा जस्टिस कर पाऊंगा उनके साथ में, बट ऐसा नहीं हुआ, बट नो वरीज, अगले वीडियो का वेट करना, आपको और अच्छे से इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल यहीं पे वीडियो करते हैं क्लोज, मेहनत हमारी, मेहनत उसकी, एंड प्यार आप सभी का, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बहुत दिन के बाद ऐसी एंडिंग हो रही है भाई, हिट लाइक तो बनता है और चैनल पे सब्सक्राइब भी बनता है, बहुत बढ़िया।